अगली खबर में बात करते हैं रीवा जिले की, जहां गौशालाओं की व्यवस्था के शुद्धिकरण एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग द्वारा प्रशिक्षित किए गए गौ सेवक मैत्री को गौशालाओं में संलग्न करने का नवाचार किया जा रहा है, जिसके तहत प्रशिक्षित गौ सेवक गौशाला की व्यवस्था के सुधार के कार्य के साथ सघन टीकाकरण, उपचार, बधियाकरण, चारा विकास, वृक्षारोपण, गोबर के उत्पाद एवं उसकी बिक्री आदि के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे। यह गौ सेवक गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने हेतु पशुपालन विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। यह निर्णय कलेक्टर मनोज पुष्प की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक में तय किया गया कि प्रथम चरण में संचालित 38 गौशालाओं के साथ साथ निर्माणाधीन एवं अन्य गौशालाओं में जहाँ भी निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सकता है, चिन्हित कर गौ सेवकों से गौशाला में कार्य लिया जाए। उल्लेखनीय है कि सड़क में गौवंश के कारण प्रतिदिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर निराश्रित गौवंशों को निकटतम गौशालाओं में पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही पशु मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है। बैठक में SP नवनीत भसीन, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, उप संचालक डॉक्टर राजेश मिश्रा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।